फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज में आंधी से विद्युत तार टूट गया जो टीन सेट पर आकर गिरा, जिससे टीन सेट में करंट दौड़ गया। सुबह के समय जब एक युवक वहां से गुजरा तो टीन सेट से चिपक कर उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना थाना सिरसागंज के गांव सारसौली की है। वहां के निवासी धर्मेंद्र कुमार के घर के सामने एक टीन सेट पड़ा है। बीती शाम जब आंधी आई तो विद्युत तार टूटकर टीन सेट के ऊपर गिर गया। इसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं थी। सुबह धर्मेंद्र अपने घर से बाहर निकला और जैसे ही टीन सेट से निकला वैसे ही वह उससे चिपक गया और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल फिरोजाबाद लाई है। क्या घटना हुई है? इससे गांव में ये जो कल 9 तारीख को बिजली आई और आंधी भी आई, उसमें धर्मेंद्र बाबू के दरवाजे के सामने जो सेट पड़ा हुआ है उसका तीन सेट, उस पर तार टूट गया। अच्छा अच्छा। और उस तार से पूरे तीन सेट पर लोहे के पाइप भी लगा है, जिसमें सेट उनका वो है और उसके पूरे में बिजली खा गई। और जब सुबह के टाइम पर ये घर से बाहर निकले तो पाइप से इनका अचानक शरीर स्पर्श हुआ और वो चुपक गया। कोई बिजली विभाग का आया क्या? बिजली विभाग का तब तक कोई नहीं आया था और अभी तक भी कोई शायद नहीं आया। SDM वगैरह? हाँ, एसडीएम पुलिस आई, लेखपाल साहब आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, जो देखा फिर पुलिस आई, पुलिस उनको सील बंद करके ले गई। तो इसमें क्या बिजली विभाग की लापरवाही थी? अब बिजली विभाग की लापरवाही क्या हो सकता है, जब दैवीय प्रकोप आता तो किसी का भी क्या बोलते, जो ज्यादा तादाद से आया उसका वेग ज्यादा था तो टूट गया।